बड़ी खबर, मनु भाकर और सरबजोत सिंह की जोड़ी ने पेरिस ओलंपिक्स में इतिहास रच दिया है। भारत के मनु भाकर और सरबजोत सिंह ने 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स्ड टीम इवेंट में हरा करके ब्रोंज मेडल अपने नाम किया। वहीं मनु भाकर एक ही ओलंपिक में दो मेडल जीतने वाली पहली खिलाड़ी बन गई है। हमारे संवाददाता ने मनु भाकर की माँ से खास बातचीत की है, आपको सुनवाते हैं। तो देखिए, मनु भाकर की जो माँ है वो इस वक्त हमारे साथ में है और बेटी ने एक बार फिर से तिरंगे की शान को बढ़ाया है और इस वक्त वो मनु के पहले घर में, जिसका जिक्र आपने किया मैम, आज तो बहुत खुशी का दिन है। एक मेडल फिर दूसरा मेडल, एक माँ, एक बेटी की माँ खासतौर पर कैसा महसूस कर रही है? मैं अवर्णनीय, अकल्पनीय है, मेरे पास शब्द नहीं है और कल्पना भी मैं नहीं कर सकती हूँ जी। मैं कैसे बयां करूँ, शब्द नहीं है। जब मनु का जन्म हुआ था आपने सोचा था कि बेटी इतना नाम रोशन कर दे? मनु का जन्म ऐसे नहीं हुआ, भगवान से मैंने झोली फैला के मांगा, तब मेरे पास आई है वो झोली। फैलाकर आपने मनु को मांगा तो भगवान ने भी आपको झोली फैला कर दी? बिल्कुल, मैं, मुझे जब भी कुछ मांगना होता है ना, मैं झोली फैलाती हूँ और उसमें वो डाल देते हैं। तो मतलब आप तो बहुत ही लकी माँ है, लेकिन आज दूसरी जीत जब मिली है तो कैसे महसूस कर रही है? एक वो जीत थी जब आपने कहा कि बहुत सारे गोल्ड मेडल्स मनु ने जीते हैं, पहला मेडल जीता और आज ओलंपिक में दूसरा मेडल। जब से मनु मेरी जिंदगी में आई है ना, तब से ही मैं अपनी जिंदगी को एक बहुत बड़े मुकाम पे देखती हूँ कि जिस घर में बेटियाँ होती हैं ना, उस घर में कभी गरीबी, कभी कलेश, मतलब कभी कष्ट आ ही नहीं सकते, क्योंकि बेटी लक्ष्मी होती है और फिर जो उसको जन्म देने वाली माँ है वो तो लक्ष्मी होती है। तो घर में जब दो दो लक्ष्मियों का वास होता है तो बल्ले बल्ले होती है। लोगों से बातचीत सुन रही हूँ, आपने एक बात पर बहुत जोर दिया कि मैंने कभी प्रेशर ही नहीं डाला मनु पर। मैं जैसे मनु के पापा कोशिश करते हैं कई बार डालने के, अब तो वो भी चेंज हो गया, अब तो वो भी नहीं डालते हैं, क्योंकि जब प्रेशर दिमाग पे होता है ना, बच्चा नहीं कर पाता, क्योंकि उसको मेडल दिखता है, उसका उसको शॉट दिखता है। जब बच्चा फ्री माइंड होके बिल्कुल शांत भाव से, एकाग्रता से खेलेगा ना, उतना ही अच्छा मैच जाएगा बच्चे का। कल मनु से बातचीत हुई थी? कल रात को हुई थी हमारी बातचीत। तो क्या चुटकुले क्या छोड़े आपने मनु के लिए कि वो खुश हो जाए, उसका मन हल्का हो जाए? मैम ना, मेरे मन से ना अचानक निकलता है, मैं कुछ भी पहले से सोच के नहीं रखती हूँ, मेरे दिल में जो आया मैं उसको बता देती हूँ। अगर मनु इस वक्त आपको देख रहे हैं तो मनु के लिए वो क्या चुटकुला होगा? इस वक्त मनु के लिए ढेर सारा प्यार, ढेर सारा प्यार। यहाँ पर मनु भाकर की अगर बात करते हैं तो मनु भाकर भी बहुत सी बेटियों के लिए यहाँ पर मोटिवेशन के तौर पर काम करती नजर आती, क्योंकि उनकी मेहनत से लोग प्रेरणा लेते हुए नजर आते हैं। कैमरा पर्सन श्रवण के साथ पूजा यादव, भारत 24।